सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस आज अपना इस ब्लॉग में, आज तो दिन का ब्लॉग डाले नहीं है, तो गाइस आज मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर को देखे थे और बहुत सारे फोटोग्राफर को देखे थे कि भाई साहब फोटो स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं और काफ़ी अमेजिंग कैमरा और काफ़ी महंगा फोटो, मतलब कि बहुत महंगा कैमरा होता है। तो हमने सोचा कि जो लोग महंगे कैमरे जिनके पास हैं तो वो तो स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत अच्छा क्लियरिटी एकदम बहुत अच्छा ब्लर में कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भाई जैसे हम लोग की तरह जो भी मैक्सिमम जो रेंज में, जैसे कि जिसके पास 30-40 हज़ार का कैमरा होता है, एक प्राइम लेंस नहीं होता, जिसके पास किट लेंस ही होता है, तो उन लोग के लिए कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी की मैं कुछ आइडिया लाया हूँ और इस वीडियो में देखना। और शाम का वक्त है तो अभी गाइज मतलब 5 बज रहा है, तो शाम का वक्त ही मैं चॉइस किया, ठीक ना। तो मेरे पास अभी कैमरा है D3500 जो कि निकोन का है, एंड गाइज लेंस मैं यूज कर रहा हूँ निकोन का 70-300 जो कि जूम लेंस है और अक्सर फोटो शूट के लिए यूज किया जाता है, तो हम इसी से स्ट्रीट फोटोग्राफी करेंगे। हाँ, इसमें ऑटो फोकस नहीं है क्योंकि ऑटो फोकस खुद करना पड़ेगा, क्योंकि 3500 में ऑटो फोकस नहीं होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ फोटोज आ यहाँ पर क्लिक करने के लिए। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैं चॉइस किया हूँ नेचर को, क्योंकि नेचर भी बहुत अच्छा है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइज मैं यहाँ पर कुछ लोगों को देख रहा हूँ, जैसे कि उधर देखो तो वहाँ पर कुछ लोग हैं, तो वहाँ पर उनका फोटोज आर क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसा फोटोज आता है। तो मैं इसे ही दिखाता हूँ, इधर करो ये मैं देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आदमी है, इनका फोटो क्लिक करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस एक बार इधर घूम जाए। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि सामने बर्ड्स तो नहीं है, लेकिन इसे एक बैकग्राउंड में जो क्लियर आ जाए, जैसे कि यहाँ से क्लिक करिए और पूरा बैकग्राउंड एक ये वाला पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से ट्राई करते हैं, यहाँ पर एक घर है तो वहां पर एक बार ट्राई करता हूँ, इधर घर दिखा दो थोड़ा, इधर आओ। मैं कोशिश करता हूँ इसको अच्छा से कैचअप करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो नीचे दिखाता हूँ आपको, नीचे यहाँ पर जो है ना ये खपड़ा का घर है, तो इसको कुछ ट्राई करता हूँ इसको क्लिक करने का। तो कैमरा मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ और देखता हूँ कुछ ट्राई हो जाए, इसके लिए हमको और पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे हो जाओ। मैं कोशिश करूंगा कि काफी अच्छा फोटोज आ जाए यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड आ रहा है ना, मतलब बैक में तो दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधा भी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर थोड़ा ट्राई करते हैं कुछ ना, अगर अच्छा आ जाए तो अच्छा आ जाए, वरना ट्राई करेंगे कोई और दूसरा। चलते हैं डायरेक्ट नीचे में ट्राई करते हैं, तो नीचे चलो डायरेक्ट। गाइस मम्मी है यहाँ पर मेरी, तो उनको ट्राई करते हैं पास यहाँ पर भी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गाइस चलते हैं आगे, देखते हैं। We'll be right back.
तो भी गाइस क्या है कि यहाँ पर देखो उस साइड, देखो उस साइड बैकग्राउंड देख रहे हो, मतलब कि कतई जहर, मतलब दोनों साइड पानी है और दोनों साइड ऊपर जो बैकग्राउंड हुआ रहा, तो इसको ट्राई कर देंगे कैसा फोटो आएगा। अगर अच्छा इमेजिंग फोटो आया तो हमारे लिए ठीक होगा। एक बार ट्राई देखो, तो अभी गाइस मतलब पूरा तो शूट उट कर लिया और गई, मतलब कि अच्छा लगा वो सब। और हम लोग मतलब गलत डिसीजन था हम लोग को शाम में, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सनलाइट का जो भी क्लियरिटी आता ना, जो भी फेस पर धूप ऊप पड़ता तो उतना अच्छा अमेजिंग फ़ोटो आता। बाकी शाम के टाइम पर भी और इस कैमरा पर जिसका जितना क्षमता रहेगा उतना ही अच्छा दे पाएगा, लेकिन मेरे तरफ से और इस कैमरे की तरफ से पूरा गारंटी था कि पूरा अपना पूरा 100% लगाया और काफ़ी अमेजिंग फ़ोटोज आर क्लिक आया। ओके, आपको भी पसंद आया होगा फोटो। तो गाइज आई होप कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा आज का स्ट्रीक फोटोग्राफी के ऊपर। तो गाइज ऐसा ही फोटोग्राफी ऐसा ही ब्लॉग आता ही रहेगा यहाँ पर, अभी कुछ दिन तो ब्लॉग ही मतलब फोटो के ऊपर आएगा और एडिटिंग से रिलेटिव सब चीज़ आएगा अभी। तो गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।